तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी है तिल की बर्फ़ी। तिल की बर्फ़ी मैं बनाऊंगी आज बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिना खोया के साथ। उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम सफ़ेद तिल और 300 ग्राम चीनी और थोड़े से पिस्ता को मैंने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तिल को भून लेंगे। तिल को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ कलर चेंज होने तक भूनना है, जब तक ये फूल जाए। आपको इसकी खुशबू आने लगेगी तो आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको हमें लो से मीडियम फ्लेम पर भूनना है लगातार चलाते हुए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। इसको भूनने में हमें 5 से 6 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये रेसिपी एक्चुअली मेरी मम्मी बनाती हैं और हमारी इससे बहुत पुरानी यादें, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मावा की बर्फ़ी तो बहुत खाते हैं, लड्डू में भी मावा खा ही लेते हैं तिल में डालकर, बट ये बिना मावा की है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आए। तो अब तिल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद जब तिल ठंडे हो जाएंगे तब उसको हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है कुछ इस तरह से। देखिए अब सारे तिल पीस चुके हैं। अब दूसरी तरफ हम अपनी चाशनी बना लेंगे। चीनी को कढ़ाई में डाल देंगे और उसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे ताकि ये चीनी पूरी डूब जाए, भीग जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है, चाशनी बनानी है हमें। चाशनी को पकने में भी हमें 5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा। देखिए अभी धीरे धीरे चीनी घुल रही है। चीनी के घुलने के बाद ये चाशनी पकना शुरू हो जाएगी। इसको आपको चलाते रहना है और हमें इसमें बनानी है 2 से 3 तार की चाशनी। और आप इसको चेक कर सकते हैं, चाशनी को आप अपने करछी से टपका कर नीचे देख सकते हैं, देखेंगे आप लास्ट में तार बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको एक तार, फिर उसके बाद 2 तार, फिर 3रा तार दिखे तो समझ लीजिए आपकी चाशनी रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको टच करके देखिए फिंगर से। जब आपको लगे कि चिपकने लगी है, जमने वाली सिचुएशन में आ चुकी है, तब इसको आप गैस को ऑफ कर दीजिए। देखिए मेरी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पिसे हुए तिल डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मुझे इस बर्फी में इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया है पहले से ही और उसमें मैं इसको निकाल लूँगी और इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। अब मैं इस पर डालूँगी कटे हुए पिस्ता ऊपर से। जब ये हल्की से सेट हो जाएगी तब मैं इसमें कट के निशान बना दूँगी। देखिए हल्की सी सेट हो चुकी है। अब मैं इसमें कट के निशान लगा देती हूँ ताकि ये इजीली निकल आए। और फिर हम इसको थोड़ी देर और सेट होने देंगे और उसके बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। देखिए ये सेट हो चुकी है। चलिए देख लेते हैं इसके पीसेस निकाल कर। अभी भी थोड़ी सी गर्म है ये, इसलिए बहुत ध्यान से हमें इसको निकालना है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा यमी लगती है ये, खोया से ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है ये और मुंह में बिल्कुल घुल जाती है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इस मकर संक्रांति पर। और इसको आप जब भी जमाएं तो किसी गहरे बर्तन में जमाएं ताकि इसके जो पीसेस हैं वो थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, पतली बर्फ़ी उतना अच्छी नहीं लगती है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे।
आराम से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तिल की बर्फी की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।